आ रही है सर, लेकिन ये तो कैमरा है। जी मुझे बताएं, सबको ये क्लियर है? ये मेरा पेज सबको नजर आ रहा है? यस सर, यस सर, ठीक यस है, सर। ओके। एट फर्स्ट मैंने सोचा कि मैं प्रेजेंटेशन बना के तो उससे आप लोगों को समझा दूं, लेकिन जो पावर पेन में है वो प्रेजेंटेशन में नहीं है, ठीक है। तो फिर मैंने यही किया कि मैं आपको लाइव जो है लैब जो है वो करवाऊंगा, तो उससे आपको ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। तो आज हमने लैब टू बेसिकली स्टार्ट करनी है, स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर एफएसटी। सर जी, प्लीज। सर, एक अगर आप पेपर पे कर रहे हैं तो एक हमारे लिए फेवर कर सकते हैं, जब ये लेक्चर कंप्लीट हो जाए हम लोग ज्यादा कंसंट्रेशन से सुन लेंगे, आप इसकी ग्रुप में पिक्चर भेज दें। ये जो चल रही है वीडियो, ये साथ में रिकॉर्ड भी हो रही है, तो ये मैं गूगल क्लासरूम पे अपलोड करूंगा, आप इसको अगेन सुन सकते हैं। वो तो ठीक है सर, मैं खाली ये कह रहा हूँ कि हमारे पास एक रिकॉर्ड हो जाएगा कि अगर आप ये पिक्चर भी हमें भेज दें जब कंप्लीट हो जाएगा। थैंक ठीक है, मतलब इनकी जो है यू वो सो मच मैं सर। कैम स्कैनर से स्कैन करके आप लोगों को ग्रुप में पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। यस सर, एग्जैक्टली। थैंक ठीक यू है, सो मच सर। चलो, ठीक है। अच्छा, बेसिकली ट्रांसफार्मर आपने जो एफएससी में पढ़ा वो बहुत बेसिक सा था, वो आप लोग यही पढ़ते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। एसी वोल्टेज देते हैं, एसी वोल्टेज जो स्टेप अप हो जाता है या स्टेप डाउन हो जाता है, और उसका बेसिक सा फार्मूला आपको बता दिया जाता है। लेकिन ट्रांसफार्मर सिर्फ ये नहीं है, तो हम ट्रांसफार्मर को लेके चलेंगे। मैं जब आज आपको इंशाल्लाह करवाऊंगा, तो उसके बाद ट्रांसफार्मर की जो बेसिक्स हैं वो आपको क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह। डॉक्टर फिदान है, ऑब्वियसली वो लेजेंड है, तो उन्होंने आपको काफ़ी चीज़ें बता दी होंगी, लेकिन मैं जो हूँ आपको एक्सपेरिमेंट और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें बताऊंगा। उन्होंने थ्योरेटिकल ज़्यादा इन्वॉल्व किया होगा, मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल ज़्यादा इन्वॉल्व करूंगा और उससे आपको चीज़ें निकाल के दूंगा कि हमने क्या चीज़ें जाके आगे परफॉर्म करनी है एक्सपेरिमेंटली, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं स्टार्ट करूँ, तो कुछ जो टर्मिनोलॉजीज हैं ट्रांसफार्मर में घुसने से पहले वो आपको पता होनी लाजमी है, क्योंकि हम अभी मैग्नेटिक सर्किट्स डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले हम इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में डिस्कस कर रहे थे, लेकिन अभी हम मैग्नेटिक सर्किट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उसमें जो कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं वो आप लोगों को पता होना लाजमी है, तो उनकी इन डेप्थ डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं, लेकिन ट्रांसफार्मर स्टार्ट करने से पहले वो चीज़ें आपको बेसिक उनका एक एक डेफिनेशन, की डेफिनेशन या उसकी की पॉइंट क्या है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो जो सबसे पहली चीज है वो होती है एमएमएफ। ओके, एमएमएफ क्या है? एमएमएफ है मैग्नेटिक मोटिव फोर्स। जब भी आप कोई मैग्नेटिक्स, ये सारे स्टूडेंट्स अभी आ रहे हैं तो उनको एडमिट, ठीक है, ओके। जब भी कोई मैग्नेटिक सर्किट आप पढ़ेंगे तो उसमें जो बेसिक एलिमेंट आएगा वो आएगा मैग्नेटिक मोटिव फोर्स, ठीक है। तो मैग्नेटिक मोटिव फोर्स क्या है? तो मैग्नेटिक मोटिव फोर्स बेसिकली आपके पास वो फोर्स है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर द क्रिएशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। तो जब भी कोई सर्किट मैग्नेटिक पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली हमने वहां पे फ्लक्स जनरेट करना, तो वो फ्लक्स कैसे जनरेट होगा, ठीक है। अभी फ्लक्स पे भी आएंगे कि फ्लक्स क्या है, लेकिन फ्लक्स जनरेट कैसे होगा, उस जो फोर्स उसको जनरेट करती है उसको एमएमएफ कहते हैं। जो फोर्स फ्लक्स को जनरेट करती है उसको क्या कहते हैं? एमएमएफ, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स। अगर आप चीज़ों को रिलेट करके लेके चलेंगे तो आपको ये ज़्यादा आसानी होगी। अब अगर देखें कि जैसे आपके पास इलेक्ट्रिक सर्किट थे, वहाँ पे वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस होती थी, ठीक है। तो इसी तरह मैग्नेटिक फोर्स में भी कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि की एलिमेंट्स हैं, ठीक है। उसमें सबसे की एलिमेंट जो है आपके पास एमएमएफ है, जो अभी मैंने आपको बता दिया कि किसी भी मैग्नेटिक सर्किट में जब आप फ्लक्स जनरेट करेंगे तो वो जो फोर्स होगी जो उस फ्लक्स को जनरेट कर रही होगी उसे एमएमएफ कहते हैं, नंबर वन। नंबर टू कि एमएमएफ जो है कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये एन मल्टीप्लाई बाय आई ऑफ टी, मैं इनकी डिटेल में नहीं जाऊंगा कि ये फार्मूलाज कैसे ड्राइव हुए हैं, बट इन फार्मूलाज को यूज करना और इनकी इनका समझना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो एमएमएफ हम कैसे जनरेट करते हैं? करंट मल्टीप्लाई बाय टर्न्स,
ठीक है, टर्म्स के बारे में भी पढ़ेंगे, टर्म्स क्या होते हैं वो आगे अभी जब हम चलेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ट्रांसफार्मर में टर्म्स क्या होते हैं। ठीक है, तो करंट मल्टीप्लाई बाय टर्न्स, तो ये आपके पास आ जाएगा बेसिकली, इसका अगर यूनिट हम करें तो ये आएगा एम्स इंटू टर्न्स। ठीक है, एम्स टर्न्स इसका यूनिट आ जाएगा। ओके, नंबर टू जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है आपके पास रिलक्टेंस। देखें, एक फोर्स वो है जिसने मैग्नेटिक फ्लक्स को जनरेट किया, एक तो ये फोर्स। ऊपर वाला एक बार दोबारा दोबारा बता दें, MMF इज इक्वल टू एन इनटू करंट नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाई बाय करंट। जी, करंट और उसका यूनिट है एम्प्स इनटू टर्न्स। ठीक है, तो एम जो है वो टर्न्स में होता है और करंट जो है एम्पेयर में होता है, तो सिंपल है। ठीक है, अच्छा सर देख, इसका यूनिट न्यूटन ही नहीं होगा? मैग्नेटिक फोर्स का भी यूनिट न्यूटन नहीं होता? देखें अभी आपके पास ये एक जो टर्म्स हैं वो किस में कैलकुलेट आएंगे, टर्म्स मैम एंड नंबर ऑफ यूनिट। सर ये टर्न्स है ना, तो टर्न्स की हाँ सर यूनिट तो नहीं होगा ना, वो तो यूनिटलेस नहीं होगा। हाँ हाँ देखिए, मैं ये बता रहा हूँ आपको ये कि एन कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो ये आ गया एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स, और करंट किस में मेजर होगा, ऑब्वियसली एम्प्स में मेजर होगा। ठीक है, तो चीजें आपको क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, चीजें आपको क्लियर होती सर जाएंगी। ये करंट, एन के साथ आपने मल्टीप्लाई में क्या चीज देखी है? बेटा करंट लिखा है, आई ऑफ आई टी, ऑफ टी आई ऑफ टी करंट लिखा है। देखिए तीन की डेफिनेशंस हैं, उसके बाद हम जो है ये चीजें मोर डिटेल में आगे डिस्कस होती जाएंगी। ठीक है, तो मैं ये डिस्कस करते रहूंगा, थ्रू आउट यही चीजें डिस्कस होंगी, तो जैसे जैसे आगे जाएंगे चीजें मजीद क्लियर होती जाएंगी। अच्छा देखें, आपके पास जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट है उसमें करंट फ्लो करता है, तो करंट को कोई एक चीज होती है जिसको अपोज करता है। ठीक है, तो अपोज करने वाली चीज को क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस। ठीक है, यस तो जब हम मैग्नेटिक सर्किट की बात करते हैं तो जो फोर्स क्रिएट कर रही है मैग्नेटिक फ्लक्स को, इसी मैग्नेटिक फ्लक्स का कोई एक चीज होगी जो इसको अपोज करेगी। ठीक है, तो वो जो चीज अपोज करती है उसको हम रिलक्टेंस कहते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट में हम रेजिस्टेंस कहते हैं जो कि फ्लो ऑफ करंट को अपोज करती है, और रिलक्टेंस मैग्नेटिक सर्किट में पढ़ते हैं जो कि फ्लो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करती है, जो कि फ्लो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करती है। तो बेसिकली जो रिलक्टेंस है आपके पास वो क्या है, ऑपोजिशन टू मैग्नेटिक फ्लक्स। क्लियर, तो अभी तक हमने दो चीजें पढ़ी, एक मैग्नेटिक मोटिव फोर्स, ये वो फोर्स है जो कि फ्लक्स को जनरेट करेगी, तो उसके रिस्पॉन्स में एक रिलक्टेंस होगी जो कि मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करेगी। ठीक है, सेम ऐसे जैसे हमारे पास करंट फ्लो करता है सर्किट में, तो करंट को अपोज करता है करने के लिए हमारे पास रेजिस्टेंस होती है जब हम इलेक्ट्रिक सर्किट्स की बात करते हैं। ठीक है, लेकिन अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, मैग्नेटिक सर्किट्स, तो इसमें हमारे पास आएगा MMF और रिलक्टेंस। MMF सर इसको भी आर से रिप्रेजेंट करते हैं रिलक्टेंस नहीं, को। इसको आर से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, ये आपका आर से डिफरेंट है, ये इस तरह से रिप्रेजेंट होता है रिलक्टेंस। तो अपोजिशन टू ओके सर। मैग्नेटिक फ्लक्स, और MMF जो है आपके पास रिस्पॉन्सिबल है फ्लक्स को जनरेट करने के लिए, और रिलक्टेंस आपके पास है फ्लक्स को अपोज करने के लिए। यहां तक ठीक होगी बात। ओके, जो थर्ड चीज है वो आपके पास है फ्लक्स। अभी तक मैंने यही बताया आपको कि फ्लक्स जनरेट करता है MMF और फ्लक्स को अपोज करता है रिलक्टेंस। तो फ्लक्स क्या है, तो फ्लक्स आपके पास क्या है, MMF डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस। जो फ्लक्स जनरेट हो रहा है और जो फ्लक्स को अपोज कर रहा है, तो वो आपके पास आ जाएगा टोटल फ्लक्स जो आपके पास जनरेट करते हैं, इसे कहते हैं फाई ऑफ टी। क्लियर होगी बात यहाँ तक, तो ये तीन मेन सर ये डेफिनेशन। आप ब्रांचेस में क्या लिखते हैं ये समझ नहीं आ रही, क्या एल लिखते हैं, क्या चीज है ये? ये आपके पास आर है, लेकिन आर जो है वो इसको रिप्रेजेंट करने का, क्योंकि आर को हम रेजिस्टेंस से रिप्रेजेंट करते हैं, वो इलेक्ट्रिक सर्किट में होता है, लेकिन क्योंकि अभी हम ब्रैकेट में टी है इरफान, टी। ये टी है, ये टी है। ओके ओके, तो जो रेजिस्टेंस है वो इलेक्ट्रिक सर्किट में होती है, मैग्नेटिक सर्किट्स में रिलक्टेंस होती है, जिसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर, ओके, यहाँ तक तीन की डेफिनेशंस जो है ट्रांसफार्मर्स में जाने से पहले, अगर आपको ये क्लियर है तो फिर अभी हम जो है नेक्स्ट चलेंगे।
ठीक होगी बात आपकी। चलिए ए डैश टी क्या लिखा हुआ है जिसके नीचे आपने एक लाइन ड्रॉ की कल सी, इसका क्या ये मतलब एम्स एम्पेयर्स मैंने लिखा है, ए ए मीन्स है? एम्पेयर्स ओके और टी मीन्स टन्स, ठीक है ओके ओके ठीक हो गया यहाँ तक। अगर आपको क्लियर है तो अभी हम आगे चलेंगे। ओके आगे चलने से पहले मैं डायरेक्ट, अभी मैंने आपको तीन डेफिनेशंस बताई हैं और ये तीन की डेफिनेशंस आपके माइंड में होनी चाहिए जब भी आप ट्रांसफार्मर की बात करेंगे। एक जो मैग्नेटिक मोटिव फोर्स होगी जो कि फ्लक्स को जनरेट करेगी, एक वो फोर्स होगी जो कि फ्लक्स को अपोज करेगी जो कि होती है रिलक्टेंस, ठीक है। देन फिर हम इनकी एमएमएफ डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस से हम, सर, जी बोले सर वीडियो स्टक हो गई है। वीडियो स्टक हो गई है। यस और सर सर, इसका इंटरनेट का इश्यूज है। ओके मेरे पास तो नहीं, चले नेक्स्ट नो सर। सर, हमारे लिए चल सर रही है वीडियो। सर काइंडली अपनी वीडियो को ना ओपन कर दें सर, वरना कोई और बोलता है तो वीडियो समझ चली जाती है। ओके जब तक वो मैं अपना नाम आप खुद कर लो, अपने सर का जहाँ पे नाम लिखा है अपने उसी पे लिए, अपने लिए कर। पहले मैं सबको म्यूट कर देता हूँ जब तक मैं एक केस डिस्कस कर लूंगा, देन उसके बाद फिर मैं जो है वो म्यूट जो है अनम्यूट करूंगा, फिर आप क्वेश्चन करिएगा, फिर हम चलेंगे आगे, ठीक है। बेस्ट हो गया सर। श्योर सर। ओके चले। अभी मैं डायरेक्ट जो है वो ट्रांसफार्मर पे नहीं जा रहा क्योंकि मैकेनिकल के हैं आप लोग, तो मैंने सोचा कि पहले मैं जो हूँ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा, देन उसके बाद जो है ट्रांसफार्मर पे जाऊंगा। डायरेक्ट ट्रांसफार्मर डिस्कस किया तो उसमें जो है आप लोगों को थोड़ी सी इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं केस वन लूंगा। केस वन में मैं जो हूँ सिर्फ एक कॉइल लूंगा, ठीक है, सिर्फ एक कॉइल लूंगा और उसको एक सप्लाई से एक्साइट कर दूंगा जो कि मेरे पास है एसी सप्लाई, ठीक है। और ये मेरे पास है जिसको मैं इंडक्टर्स है, जिसे मैं एल से डिनोट कर देता हूँ, और इसकी जो टर्न्स हैं, इसके जो टर्न्स हैं फॉर द टाइम बिंग मैं कह देता हूँ कि वो टर्न्स एन है, ठीक है। तो अभी ये ट्रांसफार्मर नहीं है, सिंपल मैंने एक कॉइल ली है और उस कॉइल को एक्साइट कर दी है एसी सप्लाई से, और उसके जो टर्न्स हैं उसको मैंने कह दिया कि ये जो टर्न्स हैं वो एन टर्न्स हैं, ठीक है। तो अभी आपको मैंने जो तीन डेफिनेशंस बताई हैं वो आपके माइंड में होनी चाहिए। तो अभी हम यहाँ से फ्लक्स जनरेट करेंगे, ठीक है। तो फ्लक्स कैसे जनरेट होगा, जैसे ही आपके पास एसी सप्लाई है, ठीक है, जब आप इस को ऑन करेंगे एसी सप्लाई को, तो क्या जनरेट होगा इस सर्किट में, क्या फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा, ठीक है। तो एसी सप्लाई को ऑन करने से मेरे पास क्या जनरेट हुआ, करंट, जिसको मैं कह रहा हूँ आई ऑफ टी, ठीक है। जब करंट फ्लो होगा तो करंट ऑब्वियसली यहाँ से फ्लो करेगा इस सर्किट में। सर्किट में करंट फ्लो करेगा तो करंट फ्लो करने से, क्योंकि ये एक मैग्नेटिक सर्किट है, ये एक कॉइल है, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, ये प्रोड्यूस करेगा एमएमएफ, ये क्या प्रोड्यूस करेगा एमएमएफ, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स, जो कि क्या क्रिएट करेगी, जो कि क्या क्रिएट करेगा फ्लक्स। तो हमें पता है कि जो मैग्नेटिक मोटिव फोर्स है इसका फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया, वो क्या होता है एन मल्टीप्लाई बाय एंड डू आई आई ऑफ टी, ठीक है। तो ये मेरे पास फ्लक्स जनरेट हो गया, एसी सप्लाई थी, एसी सप्लाई से को ऑन किया, सर्किट में करंट फ्लो किया, करंट फ्लो करने से एमएमएफ ने फ्लक्स प्रोड्यूस किया, तो अब ये यहाँ से क्या बनेगा, ये बनेगा फाई ऑफ टी, ठीक है। फाई ऑफ टी क्या आपके पास फ्लक्स है, और अभी मैंने आपको बताया कि ये फ्लक्स क्या होता है एन मल्टीप्लाई बाय आई ऑफ टी डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस। एन इंटू आई ऑफ टी क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस, ठीक है। तो ये एसी सप्लाई को ऑन किया, करंट फ्लो किया, करंट फ्लो करने से एमएमएफ जनरेट हुआ, एमएमएफ जनरेट होने से फ्लक्स जनरेट हुआ। अब जब फ्लक्स जनरेट होगा तो फ्लक्स जनरेट होने के बाद अल्टीमेटली हमारे पास क्या होगा, वोल्टेज इंड्यूस होगा, ठीक है, जिसको हम कहते हैं ई ऑफ टी इज इक्वल टू एन डी फाई बाय डी टी। तो ये पूरी कहानी है आपके पास, ये सारी कहानी है कि कैसे एक सर्किट में एसी सप्लाई ऑन करने से और कॉइल को करंट फ्लो कराने से, कॉइल में करंट फ्लो कराने से क्या
किस तरह से कॉइल में वोल्टेज इंड्यूस हो जाता है। ठीक है, सप्लाई थी आपने, ऑन किया, करंट प्रोड्यूस हुआ, करंट कॉइल में गया, कॉइल ने मैग्नेटिक मोटिव फोर्स के थ्रू फ्लक्स जनरेट करवाया और फ्लक्स से अल्टीमेटली आपके पास वोल्टेज इंड्यूस हो गया इस कॉइल में। ठीक होगी बात यहाँ तक? ओके, अगर यहाँ सर तक ये सिंबल क्या था सर? सिंबल की समझ नहीं आई, कौन सा सिंबल, ये जो लास्ट भी है ये नहीं ये वाला, सर, पीछे जो इसी के इक्वल की दूसरी साइड ये वाला, ये ई ऑफ ई टी ऑफ टी है, की ये बात ई कर। ऑफ टी है। ठीक है, इसको आप वोल्टेज कह सकते हो, ये इंड्यूस्ड वोल्टेज है, इसलिए ई ऑफ टी लिखा, वरना हम आगे चल के इसको वी ऑफ टी ही डिनोट करेंगे, कोई इशू नहीं है। क्लियर? यस सर। ओके ओके, अच्छा अब अगर हम देखें, मैं कह देता हूं कि ये मेरे पास सर्किट था, ठीक है, ये कॉइल थी, ये आपके पास एसी सप्लाई थी, ठीक है, ये इसको एल से डिनोट कर दिया और ये नंबर ऑफ टर्न्स आ गए, यहाँ से करंट प्रोड्यूस हुआ आई ऑफ टी और ये सर्किट में फ्लो किया। ओके, अब मैं कह दूं कि अगर मेरे पास जो करंट है आई ऑफ टी, वो मेरे पास है आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी। देखिए यहाँ पे अब आपको जो लास्ट लैब में मैंने चीजें बताई थी वो आपकी यूज होंगी। ठीक है, आई एम क्या, आई एम क्या आपके पास पीक, एम रिप्रेजेंट एम्पलीट्यूड पीक वैल्यू, पीक वैल्यू करंट की। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड ऑब्वियसली अब मैंने कोई एक वैल्यू ले ली है करंट की, कि मैंने कहा कि ये जो करंट की वैल्यू है ये आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी है। ठीक है, ये साइन ऑफ ओमेगा टी मैंने एक करंट की वैल्यू ले ली। अब अगर इस करंट के थ्रू हम बात करें, इस करंट के थ्रू अगर हम बात करें, तो जैसे ही इस सर्किट में, इस कॉइल में ये करंट फ्लो करेगा, तो क्या होगा, तो क्या होगा, एमएमएफ जनरेट होगा। एमएमएफ क्या होता है, एम मल्टीप्लाई बाय आई ऑफ टी। ठीक है, आई ऑफ टी अब मैंने क्या ले लिया, अब तो आई ऑफ टी मैंने ले लिया है आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी, यही लिया। ठीक है, अब जब मेरे पास एमएमएफ जनरेट हो गया, एमएमएफ ने फ्लक्स जनरेट कर दिया, तो अब आगे क्या होगा, अब क्या होगा, अब मेरे पास फ्लक्स जनरेट होगा जो कि फाई ऑफ टी होगा। ठीक है, और फ्लक्स क्या होता है आपके पास, एमएमएफ डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस। ठीक है, तो एमएमएफ की वैल्यू अब आपके पास क्या आई है, एम आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस, यही बात है। ठीक है, तो अब जो ये वैल्यू है, ये वैल्यू, ठीक है, ये वैल्यू, ये क्या है आपके पास, ये आपको पता है कि ये आपके पास जो फ्लक्स आया था आपके पास वो क्या था, एमएमएफ डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस। तो ये आपके पास आ गई फ्लक्स की मैक्सिमम वैल्यू, ये क्या आ गई आपके पास, फ्लक्स की मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो इसे मैं कह देता हूं कि ये मेरे पास फाइव एम है और ये साथ में आ जाएगा साइन ऑफ ओमेगा टी। तो ये एक रिलेशन मैंने बना लिया फ्लक्स का। अल्टीमेटली जब आपके पास फ्लक्स जनरेट हो गया, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, फ्लक्स जनरेट होने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, कि आपके पास इस कॉइल में, इस कॉइल में इंड्यूस्ड वोल्टेज जो है, इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा। ठीक है, इंड्यूस्ड वोल्टेज जनरेट होगा, तो मैं इसको कहता हूं ई ऑफ टी इज इक्वल टू एन डी फाई बाय डी टी। ठीक है, फाई जो है वो मैंने निकाल लिया अभी। ठीक है, फाई मैंने क्या है निकाल लिया, तो यहाँ पे एम डी ओवर डी टी और फाई आपके पास क्या है, फाई एम साइन ऑफ ओमेगा टी। क्लियर यहाँ तक? अब देखें कि फाई एम तो बाहर आ जाएगा, एन फाई एम, ठीक है, साइन का डेरिवेटिव आ जाएगा कॉस और साथ में ओमेगा, ये वाला जो है, ये वाला, ये बाहर भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास जो इक्वेशन बनी है, ओमेगा एन फाई एम कॉस ऑफ ओमेगा टी, ठीक है, ये मेरे पास इंड्यूस्ड वोल्टेज आया, तो मैं इसको कह देता हूँ कि ये मेरे पास है ई ऑफ टी इज इक्वल टू
ये जो वैल्यू है ये मैं कह देता हूँ ई मैक्स, मतलब ये इस फ्लक्स के नतीजे में इतना मैक्सिमम जो है वो वोल्टेज जनरेट हुआ है, इंड्यूस्ड ईएमएफ वोल्टेज, ठीक है। तो ये ई मैक्स कॉज ऑफ ओमेगा, तो ये आपके पास तीन चीजें जो हमने पढ़ी, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स, देन हमने पढ़ा फ्लक्स और रिलक्टेंस। उन तीन चीजों को यूज करते हुए मैंने एक सर्किट बनाया, उस सर्किट को एक्साइट किया एसी सप्लाई से, उसमें करंट फ्लो कराया, कॉइल में से करंट पास किया, तो मैग्नेटिक मोटिव फोर्स ने फ्लक्स जनरेट किया, इस फ्लक्स ने जो है फिर फाइनली ई ऑफ टी जनरेट किया, और ई ऑफ टी से हमारे पास जो ये वैल्यू आ गई ई मैक्स कॉज ऑफ ओमेगा टी। ओके, अब मुझे बताएं तो ये कि ई मैक्स बता दें, ई ई मैक्स, मैक्स देखें ये ई मैक्स, ये फ्लक्स जनरेट हुआ ना फाइव एम साइन ऑफ ओमेगा टी, इसको मैंने एन डी फाई बाई डी टी जो कि आपके पास ई ऑफ टी का फॉर्मूला था उसमें पुट किया, तो आपके पास फाइव एम तो बाहर आ जाएगा, ठीक है, एन ऑलरेडी बाहर है, तो साइन का डेरिवेटिव कॉज आएगा, ठीक है, और ये जो साइन का होगा, डेरिवेटिव लेंगे तो ये जो ओमेगा है ये भी बाहर आएगा, ठीक है। ठीक तो हो गया। ओमेगा एन फाइव एम को मैंने मैक्सिमम ई ई मैक्स कह दिया, ठीक है, जो मैक्सिमम आपके पास जनरेट हुआ है इस कॉइल के की वजह से, जो मैक्सिमम आपके पास वोल्टेज इंड्यूस हुआ है तो उसको कह देंगे। अच्छा, अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात क्या है कि ये जो इंड्यूस्ड जनरेट हुआ है वोल्टेज, ये इस कॉइल की अपनी वजह से हुआ है, मतलब कि अभी तक हमने कोई म्यूचुअल इंड उसकी बात नहीं की कि म्यूचुअल जो है इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो जाए, वो अभी तक हमने बात नहीं की, तो ये अकेला अकेली कॉइल है, तो इसने तो इस वजह से इसको क्या कहेंगे हम, सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ, क्लियर। देखें आपको सामने नजर आ रहा है ना कि एक ही कॉइल थी, इसके साथ कोई और कॉइल तो अभी मैंने लगाई नहीं, तो ट्रांसफार्मर तो बाद की बात है जब हम दो कॉइल्स लेंगे और कोर की बात करेंगे, अभी तो हमने ना कोर लिया और ना कोई दो कॉइल्स लिया, अभी तो हमने सिर्फ एक ही कॉइल ली है और उसको हमने क्या दिया कि उसके टर्न्स एन है और वो उसकी जो वैल्यू है वो एल है, तो जो भी इंड्यूस वोल्टेज जनरेट होगा वो इसकी अपनी वजह से हुआ है, इस वजह से इसको क्या कहते हैं, सेल्फ इंड्यूस, ठीक है जी। अब केस वन यहाँ तक खत्म हो गया, अब आप मुझसे कोई क्वेश्चन कर सकते हैं, आप मुझसे क्वेश्चन करें मैं उसका आंसर करूंगा, फिर अब हम इसके बाद दो कॉइल्स की बात करेंगे कि दो कॉइल्स जो हैं जब हम यूज करते हैं तो तब क्या। जी क्वेश्चंस, नो सर। यहां तक क्लियर है सबको? ओके चले, तो देखें अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने एमएमएफ, रिलक्टेंस और फ्लक्स, ये तीन चीजें, फिर हमने इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हुए वोल्टेज इंड्यूस वोल्टेज वोल्टेज इंड्यूस करवाया ई ऑफ टी, उस वोल्टेज जो इंड्यूस हुआ था, ठीक है, उसको हमने एक्साइट किया था थ्रू सप्लाई, और उस सप्लाई में हमने एक कॉइल इंट्रोड्यूस करवाई थी। अब क्वेश्चन ये है कि आप यहाँ सर आप हमें ये कॉइल एक का क्यों बता रहे हैं, हमने तो ट्रांसफार्मर पढ़ना है, ट्रांसफार्मर में तो दो कॉइल होती हैं और उसमें कोर भी होती है, तो इसलिए करवाया क्योंकि अगर आपको डायरेक्टली दो कॉइल्स का बताऊंगा तो उसमें आपको मुश्किल होगा, तो मैंने क्या किया एक कॉइल का बता दिया, अब जब दो कॉइल्स की बात करूंगा तो काम जो होगा आसान हो जाएगा, आपके लिए समझना मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। तो अभी भी मैं जो हूँ केस टू में लेता हूँ, और उस केस टू में भी मैं कोर की बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ दो कॉइल्स की बात करूंगा। कोर क्या होती है बेसिकली, कि जिसके ऊपर आप जो है वो अपनी कॉइल को लगाते हो, ठीक है, तो कोर की अभी बात नहीं कर रहा, अभी मैं सिर्फ बात करूंगा कि सिर्फ दो कॉइल्स हैं और उनको हम आपस में करीब ले आए हैं तो क्या होगा, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड केस होगा फाइनल, उसमें हम वो जो दोनों कॉइल्स थी उसको एक कोर के ऊपर प्लेस कर देंगे, जब उसको कोर के ऊपर प्लेस करेंगे तो ऑब्वियसली एक तरफ प्राइमरी होगा और एक तरफ सेकेंडरी होगा, तो वो हमारा ट्रांसफार्मर बन जाएगा, ठीक है। तो अभी फिल वक्त मैं कोर की बात नहीं कर रहा, अभी फिल वक्त सिर्फ और सिर्फ
दो कॉइल्स की बात कर रहा हूँ। देखें फॉर एग्जांपल ये एक कॉइल है और ये मेरे पास दूसरी कॉइल है, ठीक है। इस वाली कॉइल को हमने एक्साइट कर दिया एक एसी सप्लाई से, एसी सप्लाई, ठीक है। यहाँ पे पहले हम टर्न्स ले रहे थे एन, तो अब क्योंकि दो कॉइल्स हैं तो यहाँ पे मैं कह देता हूँ ये मेरे पास एन वन है और ये मेरे पास एन टू है, ठीक है। फिल वक्त हम लोड की भी बात नहीं कर रहे कि कोई लोड है या नहीं है, ठीक है। फिल वक्त हम लोड को कंसिडर नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि ट्रांसफार्मर की जो है वो कन्फिग्रेशन कैसी है और ट्रांसफार्मर किस तरह से काम करता है। फिर क्योंकि अगली अगली हमारी तीन चार लैब्स ट्रांसफार्मर पर ही हैं, तो हम लोड की ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट और ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करेंगे। फिल वक्त अभी हमने सिर्फ दो कॉइल्स ली हैं और उन कॉइल्स को करीब ले आए हैं, ठीक है। और एक जो प्राइमरी कॉइल थी ये वाली, इसको मैंने कह दिया कि इसमें एसी सप्लाई मैंने इसको दे दिया इस वाली कॉइल को, तो अब क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो ये वाला पोर्शन है, ये पोर्शन है, इस पोर्शन का तो आपको आइडिया हो चुका है कि क्या होता है। हमारे पास जब भी एसी सप्लाई किसी कॉइल के अराउंड हम कनेक्ट करते हैं तो उस सर्किट में करंट फ्लो करता है, ठीक है। एसी सप्लाई कनेक्ट करेंगे, अभी सबको पता होगा क्या होगा, करंट फ्लो करेगा सर्किट में। सर्किट में करंट फ्लो करने से क्या होगा, आपके पास ईएमएफ एमएमएफ जन होगा। तो अब क्योंकि ये पहले एन इंटू आई किया था, लेकिन अब क्या करूंगा, अब एन इंटू आई नहीं करूंगा बल्कि एन वन इंटू आई ऑफ टी करूंगा। एन वन क्यों किया, क्योंकि इसके जो टर्न्स हैं वो एन वन है, ठीक है। और एमएमएफ इज इक्वल टू क्या होता है, एन इंटू आई ऑफ टी। तो एन की जगह अब एन वन लिख दिया और साथ में आई ऑफ टी लिख दिया, यहाँ तक तो होगी बात। उसके बाद अब क्या होगा, अब फ्लक्स जनरेट होगा, ठीक है। तो फाई ऑफ टी होगा, अब हमारे पास जो फ्लक्स जनरेट होगा वो होगा एन वन इंटू आई ऑफ टी डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस, ठीक है। और इस रिलक्टेंस के थ्रू अब क्या जनरेट होगा, इंड्यूस्ड वोल्टेज, जो क्या होगा ई वन ऑफ टी। पहले हमने क्या कहा था कि ई वन ऑफ टी ये जनरेट भी होगा, तो अब ई जो वन, फाइव होगा, जो फाइव होगा वो कौन, वो भी 5 1/3 नहीं होगा? नहीं वो अभी आपको बताता हूँ, वो इसलिए क्योंकि इसका जो फ्लक्स जनरेट होगा ना, इस फ्लक्स सर वो वो फिर आगे, वेट भी कर रहा है, फिर एडमिट कर लें पहले। ओके कौन वेट कर रहा है जी, ओके चले मैंने उनको एडमिट कर लिया, ठीक है, ठीक है। तो ये फ्लक्स जो है ये जनरेट हो गया इस कॉइल में भी, अभी हम इस कॉइल में नहीं आए ना, तो जब इस कॉइल में आएंगे तो फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा, ई वन जनरेट होगा, ई वन क्या होगा, अब मेरे पास ई वन होगा एन वन डी फाई डिवाइडेड बाय डी टी। एन वन क्या, एन वन इंटू डी फाई डिवाइडेड बाय डी टी। और मुझे पता है कि मेरा जो फाई है वो क्या है, फाई मेरा ये है ई वन ऑफ टी इज इक्वल टू एन वन। तो अब इसको पुट कर देंगे सिंपल, तो हमारे पास आ जाएगा डी डिवाइडेड बाई डी टी इंटू फाई ऑफ टी। क्या था, इसको हमने क्या कहा था, ये आई ऑफ टी हमने लिया हुआ है यहाँ पे, आपको पता है कि ये क्या है, आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। तो उसको यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आएगा एन वन आई एम, ठीक है, साइन ऑफ सर ये ओमेगा एन नंबर ऑफ टर्न्स है, एन क्या चीज है? टी। एन नंबर ऑफ टर्न्स है बेटा, मैं शुरू से बता रहा हूँ कि एन इस कॉइल के, एन वन इस कॉइल के टर्न्स हैं और एन टू जो है वो इस कॉइल के टर्न्स हैं। सर ये जब हम ईएमएफ निकालते हैं इंड्यूस वोल्टेज, तो सर ये एन तो पहले ऑलरेडी काउंट नहीं हो चुका होता इसमें, फाइव में? जी, सही कह रहे हैं, यहाँ पे मैंने एन वन लिखा है, डी डिवाइडेड बाई डी फाई लिखा है, और यहाँ पे आप जो है फाई की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, एन वन तो जब यहाँ पे डालेंगे ना तो वो तो बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये एन वन हमारे पास बाहर आ जाएगा, और आई एम जो है, और सॉरी ये आपके पास ये आएगा एन वन, और यहाँ पे आपके पास इसको मैं क्या कहता हूँ, ये जो डिवाइडेड बाय आर आता है, ठीक है, ये जो मेरे पास आता है एन वन
इसको मैं क्या कह रहा था लास्ट टाइम, इसको मैं कह रहा था कि ये मेरे पास फ्लक्स है मैक्सिमम जो कि इस कॉइल ने जनरेट किया, जो कि इस फ्लक्स ने जनरेट किया, ठीक है। तो उसको मैं क्या कह रहा था, फाई एम। तो ये मेरे पास आ गया एन वन फाई एम, साइन का डेरिवेटिव लेंगे तो ओमेगा बाहर आएगा और ये आपके पास बन जाएगा कॉस ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। तो इस वक्त फिर मैं इसको कहूंगा कि ये क्या आपके पास बना, ई वन ऑफ टी इज इक्वल टू ई वन। अब क्योंकि ये इस कॉइल की वजह से हुआ तो इस वजह से इसको ई वन मैक्स कह दिया और ये आपके पास कॉज ऑफ ओमेगा टी आ गया। ओके, अच्छा अब अगर इस कॉइल की बात करें एन टू की, तो एन टू आप देखो कि सॉरी ये आपके पास एल टू है और ये आपके पास एल वन है, ठीक है। तो अब इस कॉइल को तो आपने सप्लाई वोल्टेज दिया हुआ था, इस कॉइल को तो आपने कुछ भी सप्लाई नहीं दिया, तो अब क्या होगा कि ये जो इंड्यूस्ड वोल्टेज जनरेट करेगा, जो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, वो कुछ इसमें भी इंड्यूस होगा। वो किस तरह से होगा, वो होगा ऐसे, ठीक है। कुछ जो आपका ईएमएफ इंड्यूस वोल्टेज जनरेट होगा वो इस कॉइल में भी जाएगा। अब वो कितना जाएगा वो डिपेंड करता है कि आपके पास यहाँ पे इनके बीच में गैप और आपके पास जो परमेबिलिटी है वो क्या है, ठीक है, वो उस पर डिपेंड करेगा। तो जब हम इसको कोर पे प्लेस करेंगे तो तब जो है क्या आपके पास जी सबको नजर आ रही है, पेज नजर आ रहा है सबको और आवाज भी मेरी क्लियर है। चल ठीक है, सही, मैंने आप सबको म्यूट किया। ये जब मैं खत्म कर लूंगा तो उसके बाद आपको अनम्यूट करूंगा, तो आप लोग तब जो है वो क्वेश्चंस कर लीजिएगा। ओके, अच्छा देखें, इस कॉइल को हमने नाम दिया था, ये हमारे पास एन वन था और ये मेरे पास एन टू, और इसी तरह मेरे पास ये हमारे पास एल वन और ये हमारे पास था एल टू। सबको आवाज आ रही है, अनसब इजाज, इकरामुल हक, स्टूडेंट्स आपका आवाज आ रही है, क्लियर है? जी सर यस आ सर रही आ है। रही है। ओके सर ओके, मैं आप लोगों का यस वेट। सर, पहले ओके ओके ठीक माइक ऑफ ना सर, है, ओके ओके माइक ठीक ऑफ किया। है ठीक है ठीक है। देखें ये अभी तक हमने इतना पढ़ा है कि ये जो मेरे पास कॉइल थी, इस कॉइल ने जो इंड्यूस्ड वोल्टेज जनरेट किया ई वन ऑफ टी इज इक्वल टू ई वन मैक्स कॉज ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। और इसको मैं कहता हूं कि ये जो है मेरे पास ये सेल्फ इंड्यूस्ड है। ये सेल्फ इंड्यूस्ड क्यों है, ये सेल्फ इंड्यूस्ड इसलिए है क्योंकि इस कॉइल की वजह से ही इसके अंदर ईएमएफ जो है वो इंड्यूस हुआ, वोल्टेज इंड्यूस हुआ,
और जो ये वाली, अब हम इसकी बात करें, अगर ये वाली जो कॉइल है तो इस कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो इसकी अपनी वजह से नहीं होगा, बल्कि वो इस E1 की वजह से होगा। ठीक है, तो अगर मैं इसका, अब मैं दोबारा से अगेन इसकी पूरी जो है वो आपको बताऊंगा नहीं कि कैसे ईएमएफ इंड्यूस हुआ, मैं डायरेक्ट इसकी इक्वेशन लिखूंगा, लेकिन आप इक्वेशन समझ आएंगे कि वो इक्वेशन कैसे आई है। देखें, मैं लिख सकता हूं कि E1 2, मतलब कि जो आपके पास ये कॉयल है, ये वाली, इस कॉयल में जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है, वो E1 की वजह से हुआ है। वन जी वन ठीक जी है, तो इस वजह से मैं इसको कह सकता हूँ कि E12 of T इज इक्वल टू, अब डायरेक्ट, अब ये E1 था तो अब यहाँ पे जो आएगा वो होगा E12 max। और ऑब्वियसली क्योंकि कॉयल है और कॉयल में जब भी आप एमएमएफ इंड्यूस होगा, फ्लक्स जनरेट होगा, तो वो इसी इक्वेशन में आएगा जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हम एक कॉयल में जब हम इंड्यूस करते हैं ईएमएफ तो वो कैसे जनरेट होता है। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा इसके लिए, और इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ। अच्छा, यहाँ पे किसी ने भी एक क्वेश्चन नहीं किया मुझसे कि जितना इस कॉइल ने ईएमएफ इंड्यूस किया है क्या वो सारा का सारा ही E2 में चला गया या नहीं? नो सर, डिस्टेंस सारा नहीं जाएगा। तो बिल्कुल करेगा। इस इक्वेशन से तो पता नहीं लग रहा कि कितना इसमें इंड्यूस हुआ। ठीक है, इस इक्वेशन से तो पता नहीं लग रहा, तो वो कैसे पता लगेगा? तो उसके लिए हम एक फैक्टर यूज करते हैं, फैक्टर यूज करते हैं के क्या है, के कांस्टेंट वैल्यू जो कि बता रही है कि इस की वजह से इसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ, तो वो के है 25, 50, 98, 100%। ठीक है, तो फॉर प्रैक्टिकल पर्पजेस के इज ऑलवेज लेस देन वन। ठीक है, के हमेशा 1 से लेस होगा फॉर प्रैक्टिकल पर्पज। और अगर हम बात करें आइडियल केस में, तो आइडियल केस में हमारे पास के की वैल्यू क्या होगी, इज इक्वल टू 1, मतलब कि जो इसने ईएमएफ इंड्यूस किया था सारा का सारा इस कॉइल में चला गया। ठीक है, सर, जी के अंदर गैप और परमियबिलिटी दोनों काउंट हो जाएंगे। जी एग्जैक्टली के में, अभी हम ट्रांसफार्मर की बात करेंगे ना, तो अब हमें, अब फाइनली मैं ट्रांसफार्मर के ऊपर आने वाला हूँ, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि अब के की वैल्यू क्या होती है और वो कोर के ऊपर लीकेज फ्लक्स और ये परमेबिलिटी, वो सारी चीज़ें अभी हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अभी तक मैंने जो है वो दो चीज़ें जो हैं वो बनाई हैं इस कॉयल के थ्रू, जो हमने दो कॉयल आपस में पास लाए थे, तो उसकी वजह से हमारे पास दो इक्वेशंस जनरेट हुई थी और उनको मैंने नाम दिया था कि वन ऑफ दी इज इक्वल टू के A1 2, सॉरी E12 के फाई एम साइन ऑफ ओमेगा टी, और एक आई थी सर, कॉज ऑफ ओमेगा टी थी। यस, कॉज ऑफ ओमेगा टी, सॉरी सॉरी सॉरी, कॉज ऑफ ओमेगा टी। सर E1 साइन ही था, डेरिवेटिव ले लिया था सर। E आएगा यहाँ पे, नहीं था फाई नहीं आएगा। नहीं, फाइनल इक्वेशन में कॉस ऑफ ओमेगा टी आया था, सही अपना, सही कह रहा। तो फाइव की जगह ई आएगा। E1 ऑफ टी इज इक्वल टू E1 max कॉस ऑफ यस सर, ओमेगा टी। सर और हमारे पास जो फाइनल दूसरी इक्वेशन जो आई थी E12 of T, वो आई थी के E2 12 वन टू मैक्स कॉज ऑफ ओमेगा टी। ऐसे ही है, ऐसा ही है ना? ठीक है, यस सर, ठीक है। तो अब अगर हम देखें कि ये E1 max इसकी वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, इसकी वैल्यू क्या होती है? सर ओमेगा इनटू
एन इन टू वो जी, इसकी वैल्यू क्या होगी ई वन फाइव एम, ऐसे ही है सर, ओमेगा भी होगा साथ। जी जी एग्जैक्टली ओमेगा भी होगा, ये होगी। और इसके लिए क्या होगा E2 max के लिए क्या होगा, E12 max के लिए क्या होगा सर, K भी ऐड हो जाएगा साथ, N2 N12 दोनों नहीं होंगे सर, N1 भी नहीं होगा, ठीक है। और इसमें क्या आएगा साथ में K, इसमें साथ में क्या आएगा K, ठीक होगी यहां तक बात। यहां डिफरेंस क्या आया सिर्फ कि यहां पे K आ गया। जी बोले सर, E के साथ हम 1 2 लिखते हैं तो वो N1 का फैक्ट भी नहीं आ गया होना चाहिए, मतलब ये वो काउंट हो जाता है ना वैसे, n वन का इफेक्ट तो 5m में काउंट हो जाएगा ना। लेकिन ये तो फ्लक्स जनरेट है ना, ये तो फ्लक्स है। तो अभी देखें, अभी हम क्या करते हैं, इन दोनों की अगर हम रेशोज लें, तो वो क्या आएगी, ठीक है। अभी एक बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो हमारे पास रिजल्ट आने वाला है, अगर मैं इनकी रेशोज लूँ तो क्या आएंगी, ई वन डिवाइडेड बाई, अगर मैं ई वन टू को ई टू ही कह दूँ, ठीक है, इसको ई वन ऑफ टू है तो मैं इसको E2 कह दूं, तो ये मेरे पास क्या आएगा N1 divided by KN2। अब क्वेश्चन ये है कि कभी आज तक आपने ट्रांसफार्मर की ऐसी इक्वेशन देखी है कि जिसमें N divided by सर, ये ऊपर थोड़ी सी मिस्टेक नहीं होगी इक्वेशन नंबर टू में? जी क्या मिस्टेक हुई है सर, इसमें हमने K भी लिखा और साथ में E12 भी लिखा, जबकि हमने देखा कि E12 max जो होता है वो होता है KN2 5M और ओमेगा के इक्वल। सर ऊपर फिर K नहीं आना चाहिए, सेकंड वाली इक्वेशन जो है इस पेज पे, ठीक है। यस सर, सही है। तो देखें यहाँ पे आपके पास K, मैंने कहा कि K की जो वैल्यू है वो लेस देन 1 होती है फॉर प्रैक्टिकल पर्पजेस, लेकिन ट्रांसफार्मर की तो ये इक्वेशन नहीं होती, ठीक है। ट्रांसफार्मर की इक्वेशन क्या होती है, E1 divided by E2 is equal to N1 divided by N2। अच्छा यही होती है ना, तो इसमें K कहाँ गया, अब K की बात करेंगे। अब हम आइडियल केस ले लेते हैं, ठीक है exactly। अब हम फाइनली जो है वो K की बात करने लगे, ठीक है। अब फाइनली मैं आपको कोर की बात करूंगा, अब फाइनली हम बात करेंगे कोर की। अभी तक मैंने आपको कोर का नहीं बताया, तो कोर क्या है आपके पास, किसी को पता है कोर क्या होती है सर, जो एक्सटर्नल सर जिसके ऊपर बाइंड हुई होती है, फॉइल बाइंड हुई होती है सर, एग्जैक्टली ठीक है, एग्जैक्टली ऐसा ही है, ठीक है। तो देखें अब मैं पहले मैंने सिर्फ कॉइल्स ली थी, अब मैं कोर लूंगा, अब मैं क्या लूंगा कोर, ठीक है। ये है मेरे पास कोर, ठीक है, ये कोर है। इस कोर के ऊपर मैं जो हूं अब अपनी कॉइल की जो है वो एलिमिनेशन करूंगा, ठीक है, एलिमिनेशन करूंगा। ये देखें आप, पहले ये दोनों जो थे, ये दोनों कॉइल्स जो थी ये अलग अलग थी, ठीक है। अब मैंने क्या किया इनको कि इनको एक ही कोर के ऊपर जो है मैंने लगा दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब सारे कॉन्सेप्ट आपको पता है, अब सिर्फ आपने एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या दूंगा, यहाँ पे सप्लाई दूंगा, एसी सप्लाई होगी, ठीक है, एसी सप्लाई होगी। यहां से क्या फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, ई वन ऑफ टी आएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोड लगाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, ई टू ऑफ टी जनरेट होगा, ठीक है। और अब ये जो इसके टर्म्स थे, मैं कह देता हूँ कि ये एन वन थे और इसके टर्म्स जो थे वो एन टू थे। यहाँ तक बात समझ आ गई, देखें पहले मैंने आपको सिर्फ एक कॉइल का बताया, फिर मैंने दोनों कॉइल का बताया कि दोनों कॉइल जब आपस में पास आएंगी तब क्या होगा। अब फाइनली मैंने क्या किया है कि उन दोनों कॉइल्स को मैंने इस कोर के ऊपर जो है वो लगा दिया, ठीक है। अब क्या होगा, अब यहाँ पे सिंपल राइट हैंड रूल आपको पता होगा,
ठीक है, राइट हैंड रूल आपको पता होगा, राइट हैंड रूल क्या कहता है, देखें यहाँ पे इस तरह से अपना हाथ रखें, जो थंब है वो डायरेक्शन बताता है, तो जो फिंगर वो उसके फिंगर्स हैं, जो आपकी फिंगर्स हैं ये पॉइंट कर रही हैं फ्लोर करंट को, और जो थंब है आपका ये बता रहा है कि फ्लक्स कहाँ जनरेट होगा। ठीक है, तो अब हमने देखना है कि ये जो कॉइल है ये फ्लक्स कहाँ जनरेट करेगी। ठीक है, ये आपका हो गया, क्योंकि ये देखें ये इस तरह, तो ये जो आपका थंब है ये पॉइंट कर रहा है फ्लक्स की डायरेक्शन को, तो ये आपके पास आ गया फाइ ऑफ टी, ये आपके पास आ गया फाइ ऑफ टी। क्लियर होगी बात यहाँ तक सर? इधर अगर हम राइट हैंड रूल अप्लाई करेंगे तो डाउनवर्ड नहीं आएगा, क्योंकि करंट की डायरेक्शन जो है हमारे पास इस तरह कॉइल बनी हुई है उसके मुताबिक अगर हम देखें तो डाउनवर्ड आएगा सर। ये जो तो आपकी डायरेक्शन तो दूसरी साइड पे जा रही है ना सर, ये जो आपके पास फिंगर्स हैं कर्ली फिंगर्स, ये आपके बता रही हैं कि आपका फ्लो ऑफ करंट, और ये जो आपका ये थंब बता रहा है कि ये आपका फ्लक्स। तो ये देखें ये ऐसे ही नहीं कि चल रहा है, ये ऐसे ही नहीं आ रहा, यहाँ से करंट एंटर कर रहा है और यहाँ से लीव कर रहा है, ये देखें। ठीक है, ये इंटर किया और यहाँ से ये इस तरह से। तो आप अभी क्योंकि आपको अपने पास पेज पे बनाएंगे और फिर उसको ऐसे करेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर आइडिया हो जाएगा। अच्छा, अब डायरेक्टली सारी डेरिवेशन करने की और सारी चीजें दोबारा से करने की जरूरत नहीं है, हमें सब कुछ पता है। ठीक है, पहली जो आपके पास ये कॉइल है इसकी वजह से जो आपके पास EMF सेल्फ इंड्यूस EMF होगा। ठीक है, ये क्या होगा, सेल्फ इंड्यूस होगा, और इसको मैं कहता हूँ E1 of t, और ये मेरे पास आता है N1 ओमेगा φm cos ωt। सब एग्री करते हैं इससे? ठीक है, अब जो इस कॉइल में होगा वो होगा म्यूचुअल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, म्यूचुअल, और यहाँ पे हम क्या कहेंगे इसको, E2 of t 1 2, लेकिन हम अब जनरल बात कर रहे हैं, तो अब हम इसको E2 के, हमें पता है कि ये इसका म्यूचुअल है, मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो ऑब्वियसली इसका जो EMF इंड्यूस होगा वो E1 की वजह से ही होगा, तो मैं इसको E2 कह रहा हूँ। ठीक है, ये मेरे पास E2 है, और ये मेरे पास आएगा N2 φ ωm cos ωt। अब यहाँ पे मैंने K की वैल्यू 1 ली है, यहाँ पे मैंने K की वैल्यू आइडियली है। अब मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि मेरे पास यहाँ पे जो आउटपुट पे लोड है, यहाँ पे स्विच लगा हुआ है, और वो स्विच जो है फिल वक्त ओपन है अंडर लोड, नो लोड कंडीशन, अंडर नो लोड कंडीशन, नो लोड कंडीशन। ठीक है, अंडर नो लोड कंडीशन, तो K की वैल्यू मैंने ले ली 1। अब जैसे ही मैं K की वैल्यू 1 लूंगा, तो अब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको ट्रांसफार्मर इक्वेशन मिलेगी, जो कि आप हमेशा ही यूज करते हो, E1 डिवाइडेड बाय E2 इज इक्वल टू N1 डिवाइडेड बाय N2 विच इज नथिंग बट टर्न्स रेशियो, विच इज नथिंग बट टर्न्स रेशियो। तो ये आपके पास फाइनल इक्वेशन आ गई है। ठीक है, टर्न्स रेशियो को किससे डिनोट किया, ए से, ये आपके पास ए है। ठीक है, इसको ए कहते हैं, इसको ए कहते हैं। ठीक है, E1 डिवाइडेड बाय E2 इज इक्वल टू N1 डिवाइडेड बाय N2। यहां तक आपको बात क्लियर हो गई होगी? ठीक है, चलो ओके। अच्छा, फाइनल एक दो चीजें जो मैंने आपको बतानी है, और फिर अगर ये अंडर नो लोड कंडीशन है और ये एक आइडियल ट्रांसफार्मर है, ये एक आइडियल ट्रांसफार्मर है, जितना फ्लक्स इस कॉइल ने जनरेट किया वही फ्लक्स इस दूसरी वाली में भी जनरेट हो गया, इस वजह से K की वैल्यू मैंने 1 रखी और इसको मैंने सॉल्व करके ये वैल्यू निकाल दी, विच इज टर्न्स रेशियो ऑफ अ ट्रांसफार्मर। अगर अब मैं बात करूं, सर ये जो लास्ट पे लिखा अल्फा क्या चीज है, ये ए है, ए, ये आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं, कुछ भी रख लें, कोई मसला नहीं है, ये ए है, ए डिनोट कर रहा है कि ये टर्न्स रेशियो है, ए को जब जब आपको कोई कहेगा N1 डिवाइडेड बाय N2, ये एक रेशियो है, तो इस रेशियो को हमने डिनोट कर दिया ए से, दैट्स इट। तो ये आप रख सकते हैं, आप बेशक बी रख लें, सी रख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये आप कोई भी रख सकते हैं। ओके, अगर अब मैं बात करूं
कि मेरे पास आइडियल ट्रांसफार्मर है, क्योंकि अभी हम सारी ये बात आइडियल ही ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं, तो मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा इधर रख देता हूँ ताकि आपको नजर भी आता रहे। तो आइडियल ट्रांसफार्मर है तो जितना फ्लक्स इसने जनरेट किया वो सारा का फ्लक्स इसमें इंड्यूस हो गया और आपके पास वो फाइनल इक्वेशन आ गई, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए यूज होते हैं, कि आइडियल ट्रांसफार्मर में नो लॉसेस होते हैं। नो लॉसेस मतलब देखें, ये वाइंडिंग हुई हुई है ना, इस ये वाली भी वाइंडिंग है, ये भी वाइंडिंग है, तो जब भी आप एक प्रैक्टिकल केस की बात करेंगे तो वाइंडिंग लॉसेस तो होंगे, लेकिन क्योंकि आइडियल ट्रांसफार्मर है तो वाइंडिंग लॉसेस नहीं होंगे। वाइंडिंग लॉसेस नहीं होंगे और साथ ही आपके पास कोर लॉसेस भी नहीं होंगे। कोर, ये जो कोर है, ठीक है, ना इसमें कोई लॉस होगा और ना ही हमारा जो ये कॉइल है इसमें कोई लॉस होगा, ठीक है, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, आइडियल ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये कि लीकेज फ्लक्स, तो लीकेज फ्लक्स क्या होगा, जीरो। लीकेज फ्लक्स क्या होता है कि मतलब जो इस कॉइल ने फ्लक्स जनरेट किया है तो उसमें से इस कॉइल में कितना इंड्यूस हुआ है, तो क्योंकि आइडियल ट्रांसफार्मर है तो जितना इसने इंड्यूस किया सारा का सारा चला गया, तो इसका मतलब है कोई भी लीकेज फ्लक्स नहीं हुआ, मतलब लीकेज फ्लक्स जीरो है, ठीक है, मतलब कि लीकेज फ्लक्स जीरो है यहाँ पे आपके पास। अच्छा, यहां तक बात हो गई क्लियर, ओके। अगर अब हम रिलक्टेंस की बात करें, आइडियल ट्रांसफार्मर में रिलक्टेंस की बात करें तो रिलक्टेंस क्या होगी, जीरो होगी। रिलक्टेंस क्या होती है, रिलक्टेंस होती है कि ऑपोजिशन टू फ्लो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, तो क्योंकि आइडियल ट्रांसफार्मर है तो कोई ऑपोजिशन नहीं होगी। जैसे हम अगर बात करें रेजिस्टेंस की, तो अगर आइडियल रेजिस्टेंस है तो कोई भी जो है वो ऑपोजिशन नहीं होगी। इसी तरह अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करें रिलक्टेंस के केस में, तो कोई भी ऑपोजिशन मैग्नेटिक फ्लक्स को नहीं होगी। इस वजह से हम कहते हैं कि रिलक्टेंस जीरो है, लीकेज फ्लक्स भी जीरो है, और ना ही कोई वाइंडिंग लॉस हुआ है और ना ही कोई कोर लॉस हुआ है, और फाइनली हमारे पास रिलक्टेंस जीरो होगी तो फ्लक्स तो इंफिनिटी हो जाएगा। रिलक्टेंस जी एग्जैक्टली यही होगा ना, देखे ना, क्योंकि उस इंफिनिटी का मतलब क्या है कि मैक्सिमम इंफिनिटी का मतलब ये नहीं कि इन्फिनिट जनरेट हो जाएगा, इन्फिनिट का मतलब ये है कि मैक्सिमम फ्लक्स जनरेट होगा, मैक्सिमम फ्लक्स जो है कोर जनरेट करेगी, सॉरी ये कॉइल जनरेट करेगी। मतलब कि जब आपकी कोई ऑपोजिशन ही नहीं है, जितना आपने एमएमएफ ने जितना फ्लक्स जनरेट किया उतना का ही आगे चला गया, मतलब कि मैक्सिमम फ्लक्स जनरेट हुआ, ठीक है, क्योंकि रिलक्टेंस। मैथमेटिकल मॉडल में इसकी कोई वैल्यू फिर कैसे निकालेंगे हम? आईडी देखें, आईडीली तो कोई ट्रांसफार्मर नहीं होता, तो प्रैक्टिकल केसेस में तो रिलक्टेंस की वैल्यू ऑलवेज कुछ ना कुछ होगी, लेकिन अगर हम आइडियल की केस करेंगे तो रिलक्टेंस जीरो होगी, और आपने कहा कि उसमें क्योंकि फ्लक्स जो है वो इन्फिनिट जनरेट, तो ऑब्वियसली इन्फिनिट का मतलब है कि मैक्सिमम फ्लक्स जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो जितनी कैपेबिलिटी थी कॉइल की उसने उतनी जनरेट की और उतना ही इंड्यूस हो गया, तो यही तो बता रही है ये वैल्यू, यही तो ये वैल्यू बता रही है, ठीक है। तो और फाइनली हमारे पास जो रिलेशन आया था वो था ई वन डिवाइडेड बाई ई टू इज इक्वल टू एन वन डिवाइडेड बाई एन टू विच इज नथिंग बट टर्न्स रेशियो, ठीक है। अगर आप बात करें अब ट्रांसफार्मर की, तो थोड़ी ऊपर करना ये देखें, अगर अब हम बात करें पावर की, ठीक है, ये अब पावर की बात करें तो ट्रांसफार्मर में पावर जो है वो जितनी आप P1 is equal to P2, मतलब P1 is equal to P2, ट्रांसफार्मर में पावर जो है वो सेम रहती है। देखें, आप एक ट्रांसफार्मर है उसके इनपुट पे वोल्टेज दे रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आउटपुट पे ज़्यादा वोल्टेज जनरेट हो जाएगी, तो अगर हम बात करें कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आपने इनपुट पे कम वोल्टेज दी और आउटपुट पे मैक्सिमम वोल्टेज उससे ज़्यादा वोल्टेज जनरेट होगी, तो ऑब्वियसली फिर करंट क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा, और ट्रांसफार्मर में जो पावर है वो सेम रहेगी, जो पावर है वो सेम रहेगी। वो अब कैसे हम देखें, वोल्टेज आपने दिया V1, तो आप कह रहे हो कि आउटपुट पे वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है,
आई टू कम हो जाएगा, आई टू कम हो जाएगा एग्जैक्टली. ये आपने देख लिया, आपने अपना काम तो कर लिया लेकिन इसके बैक एंड पे करंट कम हो गया. ठीक है, अगर मैं अब इस पी वन पे वैल्यू पुट करूं, वी वन आई वन इज इक्वल टू वी टू आई टू, तो ये वी वन इज इक्वल टू वी टू इज इक्वल टू आई टू डिवाइडेड बाई आई वन. तो ये हमें ये बता रहा है कि ये आपने कोई खलाई मखलूक से नहीं लाई वोल्टेज जो आउटपुट पे ज्यादा हो गई है. मतलब कि अगर आउटपुट पे वोल्टेज ज्यादा हुई है तो उस पे जो है वो करंट कम हो गया, उस पे जो है वो करंट कम हो गया. आपने सिर्फ ये किया है कि अब कुछ चाहिए वोल्टेज ज्यादा था तो आपने वोल्टेज ज्यादा ले लिया, लेकिन करंट तो कम हो ही गया, लेकिन करंट तो कम हो गया. ठीक है, तो अगर कोई एक चीज बढ़ रही है तो ऑब्वियसली उसकी दूसरी चीज कम होगी. ठीक है, तो ये जो अब हमारे पास तीन चीजें आ गई हैं, टर्न्स रेशो, वोल्टेज और आपके पास पावर. ठीक है, ये जब आप आएंगे इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी तो ये हम जो है लैब बोर्ड पे देखेंगे भी कि वोल्टेज और टर्न्स और ये पावर जो है ये सेम होती है या नहीं होती, टर्न्स रेशो डिफरेंट होती है या नहीं, और इसी तरह करंट रेशो क्या होती है, ये सारी चीजें हम जो है वो देखेंगे इंशाल्लाह. ठीक होगी यहाँ तक बात, सबको समझ आ गया? यस सर. ठीक है, चले तो प्रैक्टिकल देखिए, मैंने आपको शुरू से बताया था कि मशीन्स में प्रैक्टिकल जो है आपका 10 या 15 मिनट का है, ज्यादा आपके पास जो है वो कॉन्सेप्ट हैं. तो अभी हमने ये तीन चीजें पढ़ ली, तो ये तीन चीजें अब मैं आपको लैब वोल्ट पे करके दिखाऊंगा. ट्रांसफार्मर के हम टचिंग करेंगे और एन वन वी वन पी वन और एन टू पी वी टू और पी टू की वैल्यूज जो है वो हम कैलकुलेट करेंगे और वेरीफाई करेंगे कि ये जितना भी हमने चीजें पढ़ी हैं क्या ये चीजें सही हैं या नहीं है. ठीक है, ओके सर. ओके, अगर सबको क्लियर है, कोई क्वेश्चंस नहीं है तो दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू सर. सर ये काइंडली ये जो लेक्चर है इसकी क्या कहते हैं पिक्चर भेज दीजिएगा प्लीज. ठीक है, मैं ये इसकी पिक्चर एक फाइल बना के सर वो फाइल बना के क्या कहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में स्कैनर से. ठीक है, और सर रिकॉर्डिंग शेयर कर दीजिएगा जी सर. ठीक है, रिकॉर्डिंग तो ऑब्वियसली गूगल क्लासरूम पे अपलोड होगी, लेकिन ये जो पेजेस हैं ये मैं व्हाट्सएप पे आपको शेयर कर दूंगा. ठीक है, थैंक यू सो मच सर. ठीक है, सर लीव कर सकते हैं? जी लीव कर सकते हैं. और ठीक है, फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़ सर, अल्लाह हाफिज़.